वहीं शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े दो मामलों पर आज यानी 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल के रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। वही ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही है। एएसजी ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं, हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं। वही दूसरा मामला अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था। सुरजीत सिंह यादव ने PIL दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले भी कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया से कहा ये जो कर रहे हैं देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली की मंत्री आतिशी गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में मौजूद रहे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर आप पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं ईडी की हिरासत अब खत्म हो गई है, अब हमारे पास जमानत याचिका दायर करने का अधिकार है। सरकार कानून के प्रावधानों के अनुसार चलेगी। यह पहली बार है कि एक सेवारत मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में है। देखिए, डिविजनल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हेयरिंग जो है केजरीवाल की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब ज्यूडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल टीम डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आगे का पुलिस प्रोडक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब ज्यूडिशियल कस्टडी स्टार्ट। सर, ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा, पहली बार जो है आतिशी का नाम दिया और ये कहा कि विजय नायर जो है वो केजरीवाल का करीबी था और वो केजरीवाल को नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। देखिए, ईडी अपनी एक नई स्टोरी लेके आ जाती है, जबकि आज ज्यूडिशियल कस्टडी की उनकी एप्लीकेशन थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे को 15 दिन की मैक्सिमम कस्टडी मिल सकती है, हम लोग अभी नहीं ले रहे, बाद में हमारा राइट है। तो जबकि कानून बिल्कुल क्लियर है कि 15 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं, जो कस्टडी उनकी होगी तो ज्यूडिशियल कस्टडी होने के बाद अब रेल टू रेलिस्ट केस में दोबारा वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी होगा तो देन फर्दर डिसाइड करेगी कोर्ट। देखिए, कानून के अंदर जो प्रावधान है जी उसके अकॉर्डिंगली सरकार चलेगी और उसमें जो भी जेल मैनुअल्स और जो, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हो रहा है कि एक सर्विंग मुख्यमंत्री जो है वो ज्यूडिशियल कस्टडी में। सर, क्या जेल मैनुअल ऐसी अनुमति देता है कि कोई जो आरोपी मुख्यमंत्री है कस्टडी में कहीं किसी चीज में साइलेंट होगा तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ है, तो कोर्ट से वो परमिशन लेके उसके अकॉर्डिंगली काम करें। क्या सर, उनकी जगह कोई जो उनके अनुपस्थिति में कोई जैसे सेक्रेटरी किसी को बनाया जाए, क्या कोई अभी तक ऐसा निर्णय लिया गया है कि उनके एब्सेंस में कोई? माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार दिल्ली की जनता ने आपको देखा कल बहुत बड़ी रैली के अंदर ये सवाल पूछा गया कि भी आप क्या चाहते हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी देखना चाहती है, वो देश के बहुत पॉपुलर नेता है, किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल जी कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आरोपी नहीं है, उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन लगाए गए वो अभी किसी भी जगह नहीं है। देखिए, ईडी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी पार्टी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करना चाहते हैं, हमारे लीडर्स को, टॉप लीडर्स को जेल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि आज घर घर में केजरीवाल जी पैदा हो चुके हैं। केजरीवाल जी एक सोच है, एक विचार है, उन्होंने जिस तरीके से बेनिफिट स्कीम चला के और प्रॉफिट का बजट दिया है, ऐसे नेता को, पढ़े लिखे नेता को, ऐसी पार्टी को, एक एक कार्यकर्ता हमारा पूरी तरीके से, मैं भी केजरीवाल, ये मुहिम आपने देखा और पूरे देश में ये मुहिम चलेगी और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक पाएगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का काल अगर कोई है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल।